हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आधार कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जहां से आप एक ही पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी तरह की अपडेट या पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना हो, आप सारा काम एक पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। लाइक मोबाइल अपडेट करना हो, एड्रेस चेंज करना हो या जन्मतिथि चेंज करना हो, आप एक पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पुराने पोर्टल में क्या था, जैसे इस वेबसाइट पर आए और यहाँ से आप चेक आधार स्टेटस को चेक करते थे, आधार डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ था, उसके बाद ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का उसके नीचे था, ये सारा ऑप्शन। मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे और भी किसी तरह का ये अपडेशन करना था तो इस तरह से आपको खोजना पड़ता था। लेकिन अभी आधार कार्ड का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, जहाँ से आप एक बार लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको किसी भी तरह की जो भी अपडेट या ऑर्डर या रिक्वेस्ट करना हो, आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू से लास्ट तक का देखते रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि नया पोर्टल किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप इसको लॉगिन करके सारी सर्विस को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड का न्यू वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको सर्च करना होगा myaadhar.uidai.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करके आप न्यू पोर्टल पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, वहां से भी आप सर्च करके यहां पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहां पर आएंगे, वेलकम टू आधार, वेलकम टू माय आधार का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आधार नंबर और कैप्चा और ओटीपी से लॉगिन होना है। तो सिंपली आप यहां पर आधार नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी यहां पर एंटर करके आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपका आधार का जो भी डिटेल्स होगा यहाँ शो होगा। और ये फ्रंट का डिटेल्स है। आप बैक का डिटेल्स चेक करने के लिए फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैक का डिटेल्स यहां से शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप फ्रंट और बैक का डिटेल्स चेक करने के लिए फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट और बैक का डिटेल्स शो होगा। उसके बाद यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप इस सर्विस को यूज करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम इंग्लिश में रहने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस, सर्विस में यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो अभी हम आपको पीवीसी कार्ड ऑर्डर करके पहले दिखाते हैं। तो पीवीसी कार्ड पर ऑर्डर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स होगा आधार में, आपका ऑटोमेटिक यहाँ शो होगा। अगर आपका आधार का डिटेल्स और नाम डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो आप पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिए और इस बॉक्स को टिक करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए अभी हम 50 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, जो कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, UPI, पेटीएम, किसी के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम UPI के माध्यम से पेमेंट करके आप सभी को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीवीसी कार्ड ऑर्डर के लिए आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा। तो चलिए इसको अभी हम डाउनलोड करके दिखाते हैं किस तरह से पेमेंट रिसिप्ट होता है और इसमें क्या डिटेल्स आता है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये आपका पेमेंट रिसिप्ट हुआ। यहाँ पर इस रिसिप्ट को आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसमें SRN नंबर का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बैक आते हैं, यहाँ से अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप किसी भी तरह की अपडेट कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे आप नाम को अपडेट करना चाहते हैं तो आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे में है डेट ऑफ बर्थ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर है और एड्रेस है। तो चलिए अभी हम आपको एड्रेस अपडेट करके दिखाते हैं। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी एड्रेस अपडेट करना हो, जो भी डिटेल्स आपको चेंज करना हो, यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए और यहाँ पर उसके एंटर के बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जैसे कि आप बैंक पासबुक का अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद
पेंशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको आपके पास जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। तो जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट 100% अपलोड का मैसेज शो होगा, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इस दोनों बॉक्स को आपको टिक करना होगा और यहाँ से आपका जो भी डिटेल्स होगा एक बार चेक कर लीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से इस बॉक्स को टिक करना होगा और उसके बाद आपको फिर से मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। मतलब आप आधार अपडेट का भी 50 रुपीज़ का चार्जेस पे करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस में चला जाएगा और कुछ ही दिन में आपका डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंकिंग स्टेटस, जनरेट वर्चुअल आईडी, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, लॉक अनलॉक आधार कार्ड, लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफलाइन केवाईसी। उसके नीचे आप देखेंगे रिक्वेस्ट में आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला था, जैसे अभी हम एक ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का रिक्वेस्ट डाला हूँ तो ये पेमेंट डन है। तो यहाँ नीचे में उसका SRN नंबर शो हो रहा है और जिसका पेमेंट अभी हमने आधार अपडेट का नहीं दिखाया था तो वो पेमेंट अभी हमने नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑर्डर पीवीसी कार्ड का पेमेंट कंप्लीट है। यहाँ से कार्ड जब डिस्पैच होगा तो यहाँ पर डेट शो होगा कि आपका कार्ड डिस्पैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार अपडेट, अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया, सिर्फ डिटेल्स आपको बता के दिखाया। तो सिंपली हम इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से आप अपना आधार में करेक्शन कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी तरह की अपडेट करना हो आप सिंपली एक ही पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। या पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना हो आप जिस तरह से इस वीडियो में देखें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आपको कहीं कोई तरह का इशू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।